गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कल्कि भगवान की। आप सभी का हमारे चैनल नित्या मोमेंट लव पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल नित्या मोमेंट लव। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। दरअसल प्रेगनेंसी के 9 महीने को डॉक्टर्स 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, जो कि तीन महीने के होते हैं। पहले जब आपका पीरियड्स मिस होते हैं तो पहले 7 दिन को छोड़कर, यानी पीरियड्स के खत्म होने के 7वें दिन से लेकर 9 महीने डॉक्टर्स काउंट करते हैं। जो आपको डिलीवरी डेट देते हैं वो पहले 7 दिन और फिर 9 महीने प्लस करके जो डेट आपकी बनती है वो ही आपकी डिलीवरी डेट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स जिस दिन मिस हुए तब से लेकर आप 9 महीने काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है। पीरियड्स का जो 7th डे होता है, यानी जिस जब आपके पीरियड्स मिस हुए हैं तो जो लास्ट पीरियड आपका रहा उसके 7th डे से लेकर 9 मंथ्स डॉक्टर्स काउंट करते हैं जो आपकी डिलीवरी डेट निकालने के लिए। वो आपको आपके अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में भी मेंशन होती है आपकी डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट वो आपकी सोनोग्राफी में भी मेंशन। बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे जब आपके पीरियड्स को मिस हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सच में आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो कुछ सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखने लग जाएंगे, जैसे कि आपको थकान बहुत रहने लगती है, नींद बहुत आती है, या मूड स्विंग्स होने लगते हैं। पल भर में आप बहुत खुश हो जाते हैं, पल भर में आपको छोटी छोटी चीज़ों पर नाराजगी होने लगती है, या आपको थकान बहुत रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी। तो सबसे पहली पहला तो यही कि आपको टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, अवॉइड करना। कोशिश कीजिए आप जितना अच्छे थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहने, ऐसा नहीं है कि बहुत लूज भी पहनना है, कंफर्टेबल कपड़े आप पहने, बिल्कुल फिटिंग के कपड़े आप नहीं वेयर करें उस टाइम पर। और कोशिश कीजिए कि जीन्स आप अवॉइड ही करें उन दिनों में। हाई हील्स आपको नहीं पहनना है क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत बैक पेन रहता है, और अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो उससे बैक पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता ही है कि उनको तो कुछ स्पॉटिंग जैसा हो जाता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग जैसा हो जाता है, बट उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा हो जाता है पूरे प्रेगनेंसी के ये 9 मंथ्स के पीरियड में, कभी भी हो सकता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। छोटा सा स्पॉट्स वगैरह होता है तो आप निश्चिंत रहिए, वो नॉर्मल है। अगर आपको ब्लीडिंग के साथ में यानी स्पॉटिंग के साथ में आपको बैक पेन है या लोअर एब्डोमिनल पेन है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार उस टाइम पर नहीं करना है। खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में नहीं खाना चाहिए, और जो फर्स्ट मंथ में तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। जिसमें कि पपाया सबसे पहले, यानी पपीता आपको अवॉइड कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा, मतलब आपने हर किसी से सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। तो पपीता आप जो कच्चा पपीता होता है वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, और पका हुआ पपीता आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ले सकती हैं, बट आपको ज़्यादा वो भी नहीं खाना है, क्योंकि जो पपीता होता है यानी पपाया जो होता है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जो कि मिस कैरेज का रीज़न बन सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पपाया अवॉइड ही करें। तो ऐसा है कि आपको खाना ही है तो आप थोड़ा पपाया ले सकते हैं, बट आफ्टर 3 मंथ्स आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कोई भी ऐसा फूड नहीं लेना है, कोई भी ऐसे खाने में ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है। आप ड्राई फ्रूट्स भी कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करें। आफ्टर 3 मंथ्स आप वो ले सकते हैं ओवरनाइट सोक करके, आप बादाम किशमिश ऐसा ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्टली आपको नहीं लेना, उनको ओवरनाइट सोक करके रखना है पानी में, और मॉर्निंग में उनका बादाम अगर आप लेते हैं तो उसका छिलका जो होता है ऊपर का कवर जो होता है उसको निकाल कर ही आपको लेना है। और आपको उस टाइम पे पाइनएप्पल बिल्कुल अवॉइड करना है, पाइनएप्पल आपको पूरे 9 महीने नहीं लेना है। पानी और फॉलिक एसिड, ये दोनों चीज़ें एक ऐसी हैं जो आपको अपनी डेली डाइट में ऐड कर ही लेना चाहिए जिस दिन से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, या अगर आप प्लान कर रहे हैं, पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं यानी प्रेगनेंसी
कंफर्म होने से 3 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड तो अपने डेली डाइट में स्टार्ट कर ही देना चाहिए। फॉलिक एसिड के टैबलेट्स को आपको तभी से लेना शुरू कर देना चाहिए जो कि आपके पूरे 9 मंथ्स तक आपको लेनी ही होती है। और नारियल पानी आपको आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है और इसीलिए नारियल पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पूरे 9 मंथ्स नारियल पानी भी रेगुलर बेसिस पर लेना ही होता है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने डाइट में आज से ही ऐड करना आप शुरू कर दीजिए आज से ही। और पॉल्यूशन वाली जगह पर जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आपको पॉल्यूशन वाली जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है। और कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर आप सफर ना करें, कम से कम सफर करें। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अगर आप वर्किंग है और आपको डेली ऑफिस के लिए अप डाउन करना ही पड़ता है तो आप सिर्फ उतना ही रखिए। आप एक ऐसे व्हीकल से जाइए जिससे कि आपको किसी भी तरह के झटके ना लगे, जिससे कि पेट पर किसी भी तरह का प्रेशर ना पड़े। अगर आप ड्रिंक और स्मोक करते हैं तो वो तो बिल्कुल आप आज से ही छोड़ दीजिए, और वो तो आपको आगे आफ्टर डिलीवरी भी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा है। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान की।